बिहार निर्वाचन में महाविफलता एवं दोहलाई कांग्रेस को थमिबार ना धरुनी कांग्रेस आभ्यंतरीण कंदल जणे परे जणे वरिष्ठ नेता बयान एवं सृष्टि करिछि अड़ुआ दलर नेतृत्व एवं सांगठनिक दुर्बलता को पदारे पकाई चर्चा रे वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कार्ति एवं पी चिदंबरम तारिक अनवर सुर राउतराय फुरकान अंसारी परे गुलाम नबी आजाद का टारगेट रे कांग्रेस 2014 रु क्रमगत विफलतार सामना करी आसुतिबा कांग्रेस एबे बिहार निर्वाचन महाविफलता परे विराट विस्फोरण शिकार होई दल भितर बढ़ी चली कंदल बिहार साधारण निर्वाचन एवं अन्य केतक प्रदेश में होता उपनिर्वाचन में दलर शोचनीय पराजय एवं मुह खोल को बाध्य जणे परे जणे वरिष्ठ नेता किसी दिन तले एने प्रथम गणमाध्यम सामना को आसी वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल सीधा आंगुली उठाई दलय नेतृत्व तथा गांधी परिवार आड़ को देखु कौन कही कपिल सिब्बल विकल्प राजनैतिक शक्ति भाव जनसाधारण आस्था हर कांग्रेस आम जानु कांग्रेस कौन रही समस्या जानु केमिति हो पार समाधान हेले सही समस्या को चिन्हट करिबारे अनुच्छुक समस्या समाधान न कले आहुरी तळकु खसिबो कांग्रेस कपिल सिब्बल मंतव्य दल भितर सृष्टि करितिला झड़ परे परे तारिक अनवर कार्ति चिदंबरम पी चिदंबरम ओडिशार सुर राउतराय झारखंड रा फुरकान अंसारी भली कांग्रेस वरिष्ठ नेता माने कांग्रेस सांगठनिक दुर्बलता नहीं खोला खोली असंतोष प्रकाश कर चर्चा रही एबे सेमान को सह स्वर मिलाई आउ जने वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भल नाही कांग्रेस परिस्थिति 72 वर्षरे सबुठ खराब स्थिति रे पहुंची दल भांगी पड़ी दलर संगठन 5-स्टार संस्कृति चाटुकारिता लोककटारु दूरे रहिबा बुड़ाई कांग्रेस को संस्कार न आणिले स्थिति रे आसिबनी सुधार तृणमूल स्तर कर्मी नेता संपर्क नेता मैंने चाहिए आनीपारे परिस्थिति रे सुधार गणमाध्यम को साक्षात्कार दे गुलाम नबी आजाद एक असंतुष्ट को विद्रोही बोली कुआ न जाऊ देखिए गुलाम नबी आजाद साहब बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के गांधी परिवार के बहुत करीबी भी माने जाते हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी है उन्होंने जब ऐसे मुद्दों को उठाया है तो कांग्रेस आला कमान को आंतरिक लोकतंत्र के जरिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार चुनाव में जो पार्टी की दुर्गति हुई उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस का नेतृत्व भी जिम्मेवार है और उनकी बातों पर मंथन होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं देश में एक सशक्त विपक्ष रहे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपनी दुर्गति कराती जा रही है हमें नहीं लगता कि सशक्त विपक्ष देश में बचने वाला है। तो हम तो चाहते हैं देश में लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विपक्ष रहे और आजाद साहब की बातों पर पार्टी मंथन करे। ऐसा नहीं मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे दूसरे आनंद शर्मा को एक्सपीरियंस है, कपिल सिब्बल को अपने तरीके का अपना वकील के तौर पर होगा, दूसरे कई चीफ मिनिस्टर हमारे जिन्होंने किए हैं उनका अपना अनुभव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही सारा एक्सपीरियंस है, मेरे कलीग्स का भी उतना ही एक्सपीरियंस है। कम होगा, थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, एक फील्ड का होगा, दूसरे फील्ड का होगा, लेकिन कुल मिलाकर जो बनता है पार्टी तो इसी तरह से होता है जैसे घर होता है। घर का हर आदमी तो काम नहीं करता है, कोई चपा रोटी बनाता है, कोई सब्जी बनाता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई ऊपर घर वाला समझता है, लेकिन शाम को जब बैठते हैं तो सब बात कहते हैं ना तुमने ठीक किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक किया, अल्टीमेटली कंसेंसस चार आदमी कहते हैं नहीं ये ठीक है वो चल रहा। तो उसकी कोऑर्डिनेशन कंसेंसस कंसल्टेशन इसकी जरूरत है हमारे पार्टी के अंदर। मात्र तांको परी नेता माने दलर भल पाई मुह खोली एबे सेही दल भितरे आक्रमण रा शिकार होईचंती गांधी परिवार रा अनुगत कुआ जाउथिबा अशोक गहलोत अधीर रंजन चौधरी सलमान खुर्शीद कबली नेता माने समालोचना करबा को पछाइ नाती एमान गुलाम नबी आजाद ये कांग्रेस के बहुत ही जाने माने पुराने नेता है। करीबन 40 साल से कांग्रेस में कार्यशील रहे हुए गुलाम नबी आजाद जो कह रहे उसमें वाकई बहुत कुछ दम है और आज का कांग्रेसी नेता फिर वो
गांव का या गली का नेता हो या दिल्ली का नेता हो, ये लोगों से संबंध खो चुका है। ये वास्तविकता गुलाम नबी आजाद ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दी है। और गुलाम नबी आजाद के इस वक्तव्य के लिए उनका अभिनंदन ही करना चाहिए कि जो सच्चाई है वो अच्छे शब्दों में बताने की हिम्मत गुलाम नबी आजाद ने दिखाई है। तबे कांग्रेस रे एहा आभ्यंतरण व्यापार होइतिबारु अन्य दलर नेता माने ए बाबत रे मुह खोलु नथिले मध्य कांग्रेस आ उद्धार हेबा परिस्थिति रे नाही बोली मंतव्य देइछन्ती किछि बीजेपी नेता। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज।